हमारे यहाँ जो इंदौर इच्छापुर हाईवे है इस पर ट्रकों में लूट की वारदातें हो रही थी, तो इसी क्रम में थाना छैगांव और थाना धनगांव ने की टीम ने मिलकर एक खुलासा किया है। इसमें जो एक तो गुटखा से भरा हुआ ट्रक लूट लिया था, एक अभी लहसुन से भरा हुआ ट्रक लूट लिया था। इसी तरह की अन्य वारदातें भी इंदौर और उसके आसपास ट्रक लूट की हुई थी, तो लगभग एक दर्जन वारदातों का हमने यहाँ खुलासा किया है आज। इसमें लगभग 10 करोड़ से अधिक का मशरूका गया था, लगभग 1.5 करोड़ का मशरूका हमने बरामद किया है अभी तक। अन्य मशरूका और अन्य सामग्री अन्य आरोपियों के साथ बरामद की जा रही है। इसमें 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं अभी तक, जिनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जा रहा है। इनसे और पूछताछ की जा रही है कि इनने और कहाँ कहाँ पर घटनाएँ की हैं। बेसिकली ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में घटनाएं करना अभी तक कबूला है। आगे आने वाले इंटरोगेशन में हो सकता है कि और भी घटनाओं में इनकी संलिप्तता का पता चले। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जब ये इंदौर से पीछा करते थे गाड़ियों का, जो ट्रक में हाई वैल्यू आइटम रहते थे उनका ये पीछा करते थे, रैकी करके लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ट्रक के चलने के बाद ये लोग उस ट्रक के ड्राइवर और जो क्लीनर होता है उन दोनों को इंजर करते थे, उनको वेपन दिखाते थे और उनको मुंह और हाथ पैर बांध के कहीं जंगल में डाल देते थे और उसके बाद ट्रकों को ले जाते थे। कई बार ये ट्रकों को शिफ्ट कर देते थे, माल को शिफ्ट करके ले जाते थे और फिर इनका डिस्पोजल करते थे माल का। उसके लिए ये लोग आसाम जाके, कई बार हैदराबाद जाके और अपना जो सामान इन्होंने लिया है उसको डिस्पोज करते थे।